नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक पूरी पीढ़ी आकाशवाणी के विभिन्न चैनल्स को देखकर जवान हुई और अब बूढ़ी भी हो गई। जी हाँ, आकाशवाणी जो कि 32 साल से ऑल इंडिया रेडियो का राष्ट्रीय चैनल था, अब इस पर ताले डालने की तैयारी कर ली गई है और ताले डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है और इसमें बहाना यह बनाया गया है कि खर्च कम करने के लिए ऐसा किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि एकमात्र आकाशवाणी ही ऐसा राष्ट्रीय चैनल था जिसके माध्यम से लोग, पूरे देश के लोग जुड़े हुए थे और समाचार से लेकर गीतों तक में वे भागीदारी अपनी निभाते थे। आकाशवाणी के साथ लोगों का एक लंबा रिश्ता रहा है, लेकिन अब यह रिश्ता समाप्त हो जाएगा। आकाशवाणी के महानिदेशक द्वारा यह बताया गया है कि प्रसार भारती ने आकाशवाणी को बंद करने की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि 1927 में प्रसारण सेवा का गठन होने के बाद 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था और इसके पूरे देश में 200 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए थे जो आज भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल के कार्यक्रमों की पहुँच 76% आबादी और 64% क्षेत्र तक थी और आकाशवाणी की खुद की अपनी एक निजी धरोहर है जिसमें पूरे के पूरे 5-6 दशक के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ, तमाम कलाकार, साहित्यकार सभी के सस्वर पाठ मौजूद हैं। देश की जनता के लिए वास्तव में एक बड़ा झटका है। हालांकि बुजुर्ग पीढ़ी इससे जरूर वंचित होगी, लेकिन जो भारत की यंग पीढ़ी है उसे आकाशवाणी से बहुत ज्यादा लेना देना बचा नहीं था, वह तो दूसरे FM चैनल की तरफ पहले ही चली गई थी।